सरकार को किसानों की फसल खरीदने के लिए पहले ही तैयारी करनी चाहिए और एक सीजन तो किसानों को देना ही चाहिए। ये कहना है अंबाला से कांग्रेस नेता निर्मल सिंह का, जिन्होंने शहर की मंडी में पहुंच किसानों की बिकने वाली फसलों को लेकर जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मंडी में मॉइस्चर की समस्या है, किसानों और आढ़तियों को दिक्कत आ रही है, उठान नहीं हो पा रहा है, सब व्यवस्था पहले ही की जानी चाहिए। देखिए जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है कि मॉइस्चर की है, काफ़ी नुकसान इसमें किसानों को पड़ रहा है, और यहाँ मंडियों में जगह नहीं है ताकि खोल के थोड़ा उसको सुखा सके। थोड़ा मॉइस्चर शुरू में आता है, लेकिन जगह हो तो उसको थोड़ी सी हवा में ठीक हो जाता है वो, और वो कारण है कि ये सामान उठ नहीं रहा, जो जिनसे वो उठ नहीं रही, जैसे कि इनके पास स्पेशल लगती हैं वो, उनकी कमी है। मैंने आज ये बात की है जी, DFC से भी करी है, SDM से भी करी है, SDM कहता हम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, पर वो आए भी थे, अब मैं कमीशन से करूँगा तो देखते हैं कोई हल निकालेंगे, उसका तो तरीका यही है। और छोटी छोटी भी समस्या है, जैसे उन्होंने कह दिया कि इनके जो मजदूरों के उनके खातों में डालेंगे, वो तो एडवांस लेके जा लेंगे, फिर खातों में से कहाँ ही उनसे रिकवरी करेंगे गरीब आदमियों से। सर, मंडी प्रशासन की कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है, पहले भी इस तरह की खामियां नजर आई थी, क्या कहेंगे? देखिए जी, आती हैं फिर, अगर शुरू में इनकी तैयारी करनी चाहिए, जैसे स्पेशल ट्रेन की प्रॉब्लम आ गई तो ये सीजन तो फार्मर को देना चाहिए ना, यही कमी है बस। वहीं किसानों के शंभू बॉर्डर और शंभू रेलवे स्टेशन पर जारी धरने को लेकर निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में किसानों की समस्या को खत्म करने का वायदा किया है और कांग्रेस जो गारंटी देती है उसे पूरा करने का भी काम करती है। अब उसका इलाज का सरकार से बात नहीं कर रही है, सरकार उनको समझ नहीं रही है। अब पहले तो सरकार ने से वादा किया था कि हम आपको MSP देंगे, उसके रौड़ा है, बीच में किसानों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, जब तीन गारंटियाँ जो तीन को कानून थे बनाए थे ने, वो वापस लिए, आधे अधूरे हैं। किसान प्रो कांग्रेस प्रो फार्मर ये सरकार नहीं है, यही दिक्कत उनकी आ रही है। सरकार तो अब वो अपने हर लेवल पर लड़ रहे हैं, बेचारे मर भी रहे हैं, साहते दे रहे हैं। सर, कांग्रेस किस तरह से देखती है किसानों के आंदोलन को? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, उसमें सब बातें हैं। हम तो इतने कहेंगे कांग्रेस में उन्होंने के नाते कि जो कहा है राहुल जी और हमारे कांग्रेस पार्टी ने, वो इम्प्लीमेंट होगा, होगा और ज़रूर होगा। यहाँ हुड्डा साहब की भी रेपुटेशन ऐसी है कि जो वो कहेंगे करेंगे, जैसे पोर्टल से सब बातें का समाधान हो जाएगा। अब हमने हुड्डा से बात की थी कि हमने उतनी बात करनी है जो हम कर सकें, तो उन्होंने बात कही है कि हम पोर्टल को हटा देंगे। सर, मंत्री असीम गोयल का कहना है अभी जनसभा में थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस जो है सांप सीढ़ी का खेल कर रही है, एक दूसरे की टिकटें काटने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम मेरिट पे टिकटें देंगे, आप लिस्ट आएगी तो देखना, यूँ तो फिर आफ्टर ये जानना कि कौन बढ़िया है तो थोड़ा समय तो लगता है। अपने सब लीडर कहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? मेरिट पे तो क्या है, उनको तो कोई मेरिट है ही नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव कैंडिडेट्स, वो तो उधार के पकड़ पकड़ के लड़ा रहे हैं। अब देखिए, तमर को ले गए उसको नहीं घुसने दे रहे, रंजीत सिंह को ले आए उसको नहीं घुसने दे रहे, अब ये जिंदल को ले आए हैं कांग्रेस से, तो जिंदल के खिलाफ तो कहे चो को। बता दें कि कल अंबाला में हुई बारिश में किसानों की फसल मंडी में भीग गई, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने आज अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा कर किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को जाना। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने इस दौरान अधिकारियों से बातचीत कर किसानों और आढ़तियों को आ रही परेशानी को खत्म करने के लिए कहा। सत्य खबर के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।